हे गाइस, वेलकम बैक ऑन मैक टीचर। दोस्तों, मैं हूं अंकित सरल। हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्यूटी के सिग्नल्स एंड स्लॉट्स को एक्सप्लोर किया था। इस ट्यूटोरियल में हम क्यू लेबल के डिफरेंट कॉमन मल्टीपल यूजेस को देखेंगे। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, नाम दे देते हैं ऐसे लेबल डॉट यू आई के अंदर एक क्यू लेबल ले लेते हैं। और एक हम इसकी फ्रेम सेट करते हैं। दोस्तों, हमने हमारे आगे के ट्यूटोरियल्स में क्यू लेबल का काफ़ी यूज़ किया हुआ है सैंपल्स को बताने के लिए। जो हमारा सबसे पहला कॉमन यूज़ है क्यू लेबल का, वो है टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना। तो मैं आपको टेक्स्ट को किस तरीके से डिस्प्ले करवाते हैं बता देता हूँ। यू आई लेबल सेट टेक्स्ट, इसके अंदर हम टेक्स्ट कोई भी स्ट्रिंग हो वो इसके अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं। वेलकम टू मैक टीचर, रन कर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें डिस्प्ले हो चुका है। अब क्यू लेबल दो तरीके के टेक्स्ट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, एक है सिंपल टेक्स्ट और दूसरा है रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट से मेरा मतलब है कि जो HTML का कोई भी कंटेंट है वो इस पर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये मैंने बोल्ड टैग डाल दिया है और बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया है। रन करके देखेंगे तो जो भी हमने डिस्प्ले करवाया ये बोल्ड में आ जाएगा, ये देखिए। इसी के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि एस इट इज़ कंटेंट आ जाए, जो भी मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे इसका टेक्स्ट फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। यू आई लेबल सेट टेक्स्ट फॉर्मेट क्यू टी प्लेन टेक्स्ट। अब हम रन करके देखते हैं इसे। ये देखिए, मेरे बोल्ड टैग भी अब यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, मतलब रॉ स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर हमें एक कोई लंबी स्ट्रिंग डालना चाहते हैं जो कि एप्लीकेशन के साइज़ के साथ अपने आप एडजस्ट हो, तो उसके लिए क्या करना है। पहले तो मैं आपको एज इट इज़ एक लंबी स्ट्रिंग डाल दी है, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ये देखिए, ये एप्लीकेशन विड्थ बढ़ गई है और ये छोटी नहीं हो रही है, ये फिक्स हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन के साथ आगे पीछे जैसे भी, मतलब मैं जो भी साइज़ हो उसके मुताबिक अपने कंटेंट को एडजस्ट कर ले। तो एक फंक्शन होता है क्यू लेबल का वर्ड रैप करके, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। यू आई लेबल सेट वर्ड रैप ट्रू, ये देखिए एप्लीकेशन के साइज के मुताबिक ये अपने कंटेंट को एडजस्ट कर रहा है। ये तो था पहला यूज़। अब हम कॉमनली जब भी हमें कोई इमेज डिस्प्ले करवानी है तो हम क्यू लेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हम इमेज इस पर डिस्प्ले करवाते हैं। इमेज डिस्प्ले, एक लेबल एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे लेबल, और इसकी भी फ्रेम को सेट कर देते हैं स्टाइल पैनल पे। टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। यू आई लेबल टू सेट पिक्स मैप, और इसके अंदर हमें इमेज का पार्ट कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक इमेज का पार्ट कॉल करना है। हम एक इमेज का पार्ट ले लेते हैं, मैंने पिक्चर्स में एक इमेज रख रखी है, टर्मिनल से पाथ कॉपी कर लेते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऊपर जो हमने सेट टेक्स्ट किया था वो, और दूसरा यहाँ पर जो हमने इमेज सेट करी है, ये इसका दूसरा यूज है। तीसरा कॉमन यूज़ है कि अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में कोई हाइपरलिंक डिस्प्ले करवाना है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये HTML कंटेंट को सपोर्ट करता है तो ये ऑब्वियस है कि ये हाइपरलिंक को भी सपोर्ट करेगा, पर उसके लिए कुछ और फंक्शंस हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो कि हमें कॉल करवाने पड़ते हैं। हम अगर इसमें हाइपरलिंक दे देंगे तो ये हाइपरलिंक को डिस्प्ले नहीं करवाएगा, मतलब क्लिकेबल नहीं बनाएगा। तो दोस्तों, पहले मैं एक लेबल ले लेता हूँ, तीसरा लेबल ले लेते हैं हम,
और इसके फ्रेम को भी स्टाइल पैनल कर देते हैं। टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, यूआई लेवल 3 और इसके इंटरेक्शन फ्लैग को सेट करते हैं, सेट टेक्स इंटरेक्शन फ्लैग क्यूटी लिंक एक्सेसिबल बाय माउस, जैसे कि हम माउस से इसे क्लिक कर सकें। दूसरा फंक्शन है लेवल 3 सेट ओपन एक्सटर्नल लिंक ट्रू, मतलब कि जब भी मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये लिंक ओपन होनी चाहिए ब्राउज़र में। सेट टेक्स्ट फॉर्मेट सेट करते हैं लेबल 3 सेट टेक्स्ट फॉर्मेट क्यूटी रिच टेक्स्ट, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट दे रखा है तो हमें वापस से रिच टेक्स्ट में से इसके फॉर्मेट को सेट करना पड़ेगा। और अब हम कंटेंट डाल देते हैं सेट टेक्स्ट। अब इसके अंदर हम एक टेक्स्ट डाल देते हैं, मैंने ये कॉपी पहले से ही मतलब लिख के रखा था जैसे कि टाइम वेस्ट ना हो। और ये हाइपरलिंक टेक्स्ट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है और ये इसके अंदर मैक डीजिया जो कंटेंट डिस्प्ले होगा मेन लिंक की तरीके से हो और ये उसकी लिंक। ठीक है दोस्तों, रन करते हैं, देखते हैं क्या डिस्प्ले आती है। ओ यहाँ पे सेट टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेट टेक्स्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट रन करते हैं, यहाँ सबसे पहले ऊपर लेवल में टेक्स्ट डिस्प्ले है, दूसरे में इमेज और तीसरे में हमें हाइपरलिंक डिस्प्ले होगी। माइक टीजर की वेबसाइट ओपन होगी, क्लोज कर देते हैं। दोस्तों इस ट्यूटोरियल में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और अगर आपको कोई क्वेरी या इश्यू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।